स्टूडेंट्स, दो पार्ट्स के बारे में हम सीख चुके थे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज नॉमिनल अकाउंट। स्पेशली ये अकाउंट्स आपके लिए बेसिक नीड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट्स फॉर द अकाउंटिंग टर्म्स एंड सिचुएशन। जब आप फाइनल अकाउंट्स करोगे या फिर आगे अकाउंटिंग टर्म्स करोगे तब आपके लिए अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट, क्योंकि आप देख रहे हो अकाउंटिंग फॉर्मेशन में इसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, इस पर ही आपका अकाउंट डिपेंडेंट है। तो वही टाइप्स का अकाउंट यहाँ पर फॉलो करता है। देखते हैं क्या लिखा है। दिस अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परफॉर्म डियर ऑपरेशन उसका ऑपरेशन है थ्रू आउट द ईयर। हमेशा ये अकाउंट्स का ऑपरेशन क्रिएट होता रहता है, पूरे साल चलता है ये अकाउंट। इसका मीनिंग ये है कि आप जब से अकाउंट स्टार्ट करो या जब से बिजनेस स्टार्ट करो और बिजनेस के एंडिंग तक ये जो अकाउंट है ना, ये रीढ़ की हड्डी है। ये सोचना है, दैट्स अ बैकबोन फॉर द अकाउंटिंग अकाउंट, क्योंकि यही पूरा ऑपरेशन क्रिएट करता है। ओके, दिस अकाउंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि ये डिपेंड भी है दो अकाउंट्स पे, इनकम और एक्सपेंस पर। इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स भी कहते हैं। दैट्स अ सेकंड नेम। अगर आपको बीएसक्यू में या एनसीक्यूज में पूछे तो ध्यान रखना कि नॉमिनल अकाउंट्स सेकंड नेम या फिर नॉमिनल अकाउंट्स आल्सो नोन एज अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट, अकाउंट्स ऑफ इनकम। अब अकाउंट्स इनकम्स का भी अकाउंट इनकम में क्या है तो वो मीनिंग्स आपको पहले समझनी है। इनकम्स क्या है? क्रिएट्स इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन। इनकम्स ऑलवेज प्रॉफिट मार्जिन आपका इंक्रीज करती हैं, ऑलवेज, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट आपका बिजनेस का बढ़ेगा। ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा इनकम होगी आपके पास तो बिजनेस आपका आगे एक्सपांड भी होगा और ग्रोथ अप भी उसका बढ़ेगा, डेवलप भी होगा बिजनेस। और उसके साथ साथ बिजनेस तो आपका डेवलप होगा, उसके साथ साथ आपका प्रॉफिट मार्जिन हाई अप पड़ जाएगा, जिसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? आपकी गुडविल पे पड़ेगा, यानी मार्केट में आप एक बेस्ट पोजीशन पर आ जाएंगे, तो वही आपकी इनकम है। इसलिए हमेशा बिजनेस में हमेशा इसके बारे में ज्यादा सोचता है। जैसे कि एग्जांपल, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, रिसीव वर्ड आ जाता है, दैट्स कॉल्ड एन इनकम। आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, बदले में आपको अमाउंट मिल रही है, तो वो आपकी इनकम ही है ना। कमीशन है, बोनस है, रेंट है, डिविडेंड है। डिविडेंड तो आप क्या है, कोई परचेस करते हो शेयर उसके ऊपर प्रोवाइड होता है, वो भी आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम ही है। डिस्काउंट है, रेंट है, ये सारी चीजें ऐसी है जो आपकी एक वन टाइप ऑफ इनकम क्रिएट्स होती है। सेकेंड पॉइंट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस क्रिएट डिक्रीज, वो इंक्रीज करता है, डिक्रीज द प्रॉफिट या फिर लॉस क्रिएट्स करता है। दो पॉइंट्स करता है, या तो लॉस होगा आपको बिजनेस में या प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, कम होगा। जब भी आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होते जाएंगे तो प्रॉफिट रेट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसलिए कभी भी एक्सपेंसेस को ज्यादा हाई या बिजनेस में होने नहीं देता। अगर होने लगता है, एज अ जजमेंट लगाता है जब अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता है, तो उस टाइम पर वो एक्सपेंस को क्या कर देता है, डाउन कर देता है। तो जितना डाउन आपका एक्सपेंस जाएगा तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट मार्जिन हायर जा सकता है, अदरवाइज एक्सपेंस क्या करेगा, प्रॉफिट आपका डिक्रीज कर देगा। ओके, जिसमें स्पेशली को एक्सपेंस ही कहा जाता है वेजेस, यानी जब आप वेजेस का मतलब कि मजदूरी कह सकते हो आप अगर हिंदी वर्ड्स यूज करो तो, मजदूर यानी कि जो आप काम करते हो ऑन द स्पॉट आपको पेमेंट कर दिया जाए। आप तो घर में कोई काम करवा रहे हो या बिजनेस में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में वर्कर्स हैं आपके एकदम लोअर लेवल के, तो उनको आप वेजेस पे करते हो। कैरी जब आप सामान लाने ले जाते हो तो डिलीवरी चार्ज होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द कैरिज। पोस्टेज भी आपको पता है, स्टेशनरी, हर एक बिजनेस में स्टेशनरी इज अ कंपल्सरी। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहाँ स्टेशनरी यूज ना हो, हर एक बिजनेस में आपका स्टेशनरी तो चाहिए। पेन, पेंसिल, फिर आपका नोटबुक्स, बुक्स,
अकाउंटिंग रजिस्टर्स एक्सेट्रा, फिर सैलरी, टैक्सेस, डेप्रिशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिशिएशन ऐसा है जो आपके एसेट्स की प्राइस रिड्यूस करती बट आपको दिखाई नहीं देती, इसलिए इसको हम नॉन कैश बोलते हैं। जैसे कि आप कोई एसेट्स परचेस करते हो, व्हीकल्स लेते हो, एक साल बाद दो साल बाद अगर व्हीकल्स को आप सेल करने जाते हो तो क्या आपको वही प्रॉफिट मार्जिन में सेल होता है कॉस्ट प्राइस पे? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि जब से आप व्हीकल्स लाए तब से उसी दिन से उस पर डेप्रिशिएशन चार्ज होने लगती है, यानी कि वो एसेट्स की प्राइस क्या करती है, वन बाय वन रिड्यूस करते जाती है। ओके, एंड डिस्काउंट अलाउ, इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, दे आर कॉल्ड इन एक्सपेंस। तो उसी के बेस पर ये तीनों अकाउंट्स हमने सीखे, उसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे। कंप्लीटली मैं नहीं बताऊंगा, वो करोगे आप ही, बस आपको खाली यहाँ ध्यान देना है कौन सा अकाउंट्स है और किस तरीके से उसको ट्रीट करना है, बाकी सारा आप कंप्लीट आपको ही करना है। इलस्ट्रेशन 4 और 5, 4 में थोड़ा आपको समझाऊंगा, 5 आपको कंप्लीट ही करना है। फिर भी आपको डाउट्स या एरर आते हैं तो वहाँ पर आपको मुझे मैसेजेस करना है। सेकेंड, इलस्ट्रेशन 4 निकालेंगे, पेज नंबर 33, उस पर आपको अकाउंट्स को क्लासीफाई करना है। एग्जाम में अगर एक्सप्लेन करने का पूछ ले तो ऐसे ज़्यादातर पूछते नहीं, बट पूछे तो आपको एक्सप्लेनेशन भी देना होगा, और अकाउंट्स तो मालूम है, रीजंस और कॉन्सेप्ट मांगता ही है। तो सबसे फर्स्ट नंबर, पहले नंबर आपको कौन सा अकाउंट दिया, नवजीवन कॉमर्स कॉलेज, नवजीवन कॉमर्स कॉलेज, नवजीवन कॉमर्स कॉलेज अकाउंट। तो ये कौन सा टाइप्स का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। कैसे पर्सनल अकाउंट है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन, बस यहाँ पर क्या लिखना है एक्सप्लेनेशन में, आर्टिफिशियल पर्सन, दैट्स ओके। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक एक मैंने जस्टिफाई के लिए आपको बताया। फिर आपको एक लाइनिंग कर देनी है, फर्स्ट इज क्लियर एंड सेकेंड, राइट द सेकेंड, सेकेंड इज कैश अकाउंट, यहाँ लिखना है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट किस अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट। क्यों रियल अकाउंट में आता है, तो कैश क्या है, कैश इज एन एसेट, दैट्स ऑल। आया समझ में, कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट। रियल में क्यों इंक्लूड हुआ, क्योंकि वो क्या है, एक एसेट, और आपको बताया था गुड्स और एसेट्स बोथ आर इंक्लूडेड रियल अकाउंट। एंड थर्ड, थर्ड में क्या दिया हुआ है, राज मेडिकल स्टोर्स, सॉरी ये थर्ड ही था, मैंने इसको सेकंड ले लिया, डजंट मैटर। सेकंड में जो सेकंड दिया उसको मैं थर्ड नंबर पे ले लेता, ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट। और ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या है, ड्रॉइंग आपका जो ड्रॉइंग अकाउंट है वो किस में काउंट होगा, वो भी पर्सनल अकाउंट में काउंट होगा। अब मैं बताता हूँ क्यों, एक्चुअली ड्राइंग जो है वो पर्सन्स के अकॉर्डिंग ली जाती है। ड्राइंग यानी कि जो पर्सनल यूज करने के लिए आप बिजनेस में से कुछ गुड्स या फिर एसेट्स को लेके आपके पर्सनल यूज के लिए यूज करो, जैसे कि आपके शॉप पैसे आपने पैसे निकाले और आपके बच्चे की फीस भरी, तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस में से आपने पैसे लिए, लेकिन वो किसके लिए लिए, आपने बिजनेस के लिए नहीं लिए, आपका पर्पज़ क्या था, आपने अपने घर के यूज के लिए, तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। और ड्रॉइंग कौन यूज कर रहा है, ऑनर यूज कर रहा है, इसलिए उसको हम किसमें करते हैं अकाउंट, एज अ पर्सनल अकाउंट। ओके, क्योंकि ये यहाँ पर जो ड्रॉइंग है विड्रॉन बाय ऑनर। ओके, और ऑनर क्या है, लाइव पर्सन। जरूरी नहीं है टेक्स्ट बुक का ही छापो, अपने हिसाब से आप बना सकते हो जैसे आपको समझ में आता है। ओके, अपना कॉन्सेप्ट खाली कंटेंट मैच होना चाहिए। एंड नाउ फोर्थ नंबर, फोर्थ में क्या कह रहा है, डोनेशन अकाउंट, डोनेशन। तो डोनेशन क्या है, एक्सपेंस है, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल। किसने किस अकाउंट में काउंटेड होगा, नॉमिनल। क्यों, क्योंकि डोनेशन क्या है, वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है,
तो यहां पर आप लिख सकते हो रीजंस में डोनेशन इज एन एक्सपेंस, दैट्स एंड लाइन। ओके, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। और फाइव नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, मशीनरी अकाउंट, फाइव मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट क्रिएटेड एज अ रियल अकाउंट, टू रियल अकाउंट में आया तो आप लिख सकते हो मशीनरी इज फिक्स्ड एसेट्स। तो वो फिक्स एसेट्स है इसलिए आपने उसको इसमें काउंटेड किया एज अ रियल अकाउंट। देन सिक्स नंबर लैंड अकाउंट, तो वो भी कॉल्ड फिक्स एसेट, सेम रीजन आएगा मशीनरी का ही, वो भी रियल अकाउंट्स में है। उसके बाद दिया हुआ आपको राज मेडिकल स्टोर्स अकाउंट, राज मेडिकल स्टोर्स अकाउंट एज आर्टिफिशियल पर्सन्स, जैसे नवजीवन कॉमर्स कॉलेज था। इसी तरीके से आपको आगे के कंप्लीट करने हैं। तो उसके बाद आपको मैं आता हूँ सीधा कैरिज इनवर्ड एंड आउटवर्ड, दोनों ही आपके क्या है एज एन एक्सपेंस है। कैरिज मैंने बोल दिया ना, कैरिज वर्ड आता है यानी कि एक्सपेंस, चाहे वो इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो। ओके, मैं सीधा 14 नंबर ले रहा हूँ, कॉपीराइट। कॉपीराइट भी एज ए क्रिएटेड होगा रियल अकाउंट। क्यों रियल अकाउंट में होगा, क्योंकि कॉपीराइट इज एन इंटेंजिबल एसेट, इसलिए कॉपीराइट आपका उसमें काउंटेड हुआ। इस तरीके से आपको पूरा सब कॉम्प्लीकेट करना है। ओके, टोटल आपके कितने हैं, 40 नेम्स हैं, और 40 नेम्स के अकॉर्डिंग जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया उसके बाहर का कोई भी वर्ड्स नहीं है, आपको इस तरीके से इसको ट्रीट करना है। उसी बेस पर आपको इलस्ट्रेशन 4 और इलस्ट्रेशन 5 दोनों कॉम्प्लीकेट करना है। फिर जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो अब हम सीखेंगे रूल्स, क्योंकि अब अपने अकाउंट्स तो आप समझ गए कि अकाउंट्स में कैसे किसको क्लासिफाई करना है। अब सेकेंड पॉइंट आपको सीखना है रूल्स, कि किस अकाउंट्स का कौन सा रूल्स रेगुलेशंस होता है, वो कंप्लीटेड आपको करना है। ओके,